अभी देखो कितनी अच्छी सी धूप आ रखी है हमारे घर पे। पूजा पाठ, पापा जी की रिटायरमेंट आने की खुशी में हमने एक छोटी सी पूजा रखी है घर में। तो दोस्तों पूजा के लिए सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं पूरी वगैरह। तो पूरी, रोट, पुए, चूरन इत्यादि हमें बनाना है। तो सबसे पहले मैं रोट पुए वगैरह बनाती हूँ फटाफट से। और ये है रोट। अब आप सोच रहे होंगे कि रोट क्या होता है, तो रोट ये वो वाली रोट नहीं है जिसमें गाड़ियाँ चलती हैं। ये रोट है जो पूरी की तरह होता है, बट इसको दूध और घी में गूंथा जाता है, मतलब पानी का यूज़ नहीं होता इसको गूंथने के लिए, और काफ़ी अच्छा होता है। और अभी मैं रोट पूरी वगैरह बना चुकी हूँ, अब मैं बना रही हूँ पूरियाँ। पूरियाँ भी बन चुकी हैं, अभी मैं बना रही हूँ प्रसादी यानी चूरन, जिसको हमारी पहाड़ी भाषा में कहते हैं चूरन। तो मैं एल बनूनी चूरन। फटाफट से हम सभी सामग्री वगैरह बना देते हैं जो भी मंदिर में लगना होता है फटाफट से, फिर उसके बाद पंडित जी आएंगे तो फिर आगे की तैयारी होगी। तो दोस्तों भोग के लिए मेरा सब कुछ बन चुका है, तो अब फटाफट से इसको रखते हैं मंदिर में, फिर उसके बाद हमारे अंदर। तो अभी जाते हैं मंदिर में, पंडित जी भी आ गए और मम्मी पापा लोग भी चले गए वहाँ पे, अब हम भी जाते हैं। चलो तो सबसे पहले हमारे बड़े वाले मंदिर में होगा पूजा पाठ, फिर उसके बाद हमारे अंदर वाले मंदिर में होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पूजा पाठ पंडित जी के द्वारा हम लोग करा रहे हैं। तो देखो मम्मी जी पापा जी लोग ने आज येल्लो येल्लो ड्रेस पहनी है, क्योंकि पूजा में पीले वस्त्र ही धारण करना शुभ माना जाता है, तो मैंने भी पीला सूट पहना है। अगर मेरे मिस्टर जी भी घर पे होते ना तो मैं भी साड़ी पहनती, बट वो तो है नहीं, तो इसलिए मैंने सूट ही पहना। अब जब वो आएंगे तब मैं भी साड़ी पहनूंगी, पिछौड़ा पहनूंगी मम्मी जी की तरह। अभी मैं इसी मम्मी जी लोग के साथ बैठी हूँ पाठ में, और पंडित जी कर रहे हैं पाठ वगैरह, देखिए आप लोग भी। मातृ पितृ गुरु चढ़ गमरे भ्यो नमः सदा पूजनीय अपने अपने पितर देवता भ्यो नमः स्थान देवता पितर देवता माता पिता गुरु देवता भ्यो नमः सामग्री संतोष प्रायणाम दाय पुंडरी काक्षाय नमः पुंडरी काक्षाय विष्णवे नमः। विवाही हूँ छत में और आज खाना बन रहा है हमारे छत वाले किचन में, देखो यहाँ पे खाना बन रहा है। तो आज बन रहा है खाना चूल्हे में, टपकी में देखो अभी चूल्हे में बना हुआ खाना है। यहाँ पे बन रही टपकी और अंदर किचन में बन रहा है दाल, दाल फ्राई किया हुआ डेग में, देखो बड़े वाले, क्योंकि आज सारी फैमिली का खाना साथ में है ना इसलिए। और बाहर पे टपकी बना रहे हैं लोहे की कढ़ाई में, कितना टेस्टी होता है लोहे की कढ़ाई में बना हुआ, और वो भी चूल्हे में, तो आज तो मज़ा ही आना है खाने में। देखो कितना अच्छा मौसम हो रखा है ना, अच्छी सी धूप आ रही है। तो अब ना हमारे वाले मंदिर में पूजा होगी, अभी तक पौर वाले मंदिर में पूजा हो रही थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पौर क्या होता है, तो पौर मतलब दूसरे वाले मंदिर में, जो हमारा बड़ा वाला मंदिर है। और अब हमारे वाले हमारे घर के अंदर वाले मंदिर में पूजा होगी, तो उसके लिए मैंने सारी सामग्री वगैरह मंदिर में रख दी है। अभी बस पंडित जी लोग और मम्मी पापा लोग वहाँ से पूजा करके आते होंगे, फिर यहाँ पर पूजा पाठ होगा। और अगर आप लोग ना मेरे आज की पूजा में हमारी शामिल होंगे तो आप लोगों को भी ज़रूर आशीर्वाद मिलेगा। तो आप लोग भी पूजा में शामिल होना और अंत तक ब्लॉग में बने रहना। तो इसी के साथ अभी हमारे वाले मंदिर में पूजा शुरू हो गई है, देखिए अभी मुझे भेजा गया है कोयले लाने के लिए, धूप आरती करने के लिए। मैं आरती हूँ और मैं आरती करने के लिए कोयले लेने जा रही हूँ, मैं लेके आ गई हूँ कोयले आरती करने के लिए। भगाई लोटी मुझे जोड़ दिया, पूजनम वर्णम अहम करीशे तो, पूजनम वर्णम अहम करीशे तो, पूजनम सो वर्णम।
पार्वती पिता महादेवा अंदन को आग दे तोड़न को गाया अंदन को आग दे तोड़न को गाया बादन को पुत्र देत निर्देवा जय गणेश श्री गणेश देवा जय गणेश श्री गणेश देवा तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी पूजा संपन्न होती है। अभी मम्मी पापा लोग भी आ गए बाहर पूजा से, अब इनकी लेते हैं कुछ तस्वीरें, तो फोटोज़ वगैरह ले ली हमने। अब ये लोग करेंगे चेंज और बाकी मैं जाती हूँ मंदिर में। अब सबको देना है प्रसादी, तो देखिए ये है, अब इसको मिक्स करके हम सबको प्रसादी देंगे। तो देखिए बन चुकी है प्रसादी, आप लोग भी ग्रहण कीजिए प्रसादी। ताऊ जी ये लो प्रसादी। छत में दे दिया, अब मैं जा रही हूँ ताऊ जी लोगों को प्रसादी देने के लिए, तो जाते हैं। दोस्तों प्रसादी वितरण भी हो चुका था और अभी खाना भी छत में हमारे बन चुका था, तो अभी खा रहे खाना पहले बड़े लोग यानी ताऊ जी ताई जी और जितने भी सयाने लोग हैं सब खा रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग भी खाना खाएंगे। तो देखिए सब लोग अपने अपने आसन में बैठ के आराम से खाना खा रहे हैं। आजकल ठंडे दिन हैं तो धूप में बैठ के जिसको जहाँ पर सजा रही वहाँ पर खा रहे हैं। और ये देखिए आज का हमारा खाना, आप लोग भी खा लीजिए पाठ का खाना, पूजा पाठ का खाना तो अच्छा ही लगता है। ये देखिए आइए आप लोग भी खा लीजिए। चौकस हीरोइन बन रही खाण खाते रहनी और पोज ले मारते रहनी। देखो यो उन्हें लग रहा है मैं इनकी फ़ोटो खींच रही हूँ। खाओ खाओ ये इंतज़ार में खाना मिलेगा तो खाएंगे घर, हम सब इंतज़ार में। तो दोस्तों अब हम ले बैठ गए खान खाना, तो हम ले खानो खान तुम ले खलियो। तो अभी ना खाना वगैरह हम सबका हो चुका है और यहाँ पे दी लोग यानी मेरे जिठानी लोग सब कर रहे हैं। हमारे पहाड़ों में ना एक मतलब अच्छी रिवाज है, जब खाना वाना खाते हैं तो सभी लोग साथ में मिलके काम करते हैं, सहयोग की भावना रहती है सबके मन में। और एक और चीज़, हम लोगों को ना बिम्बार वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये मतलब कोयले की जो राख बन जाती है ना खाना बनाते टाइम, तो उसी से बर्तन वगैरह साफ कर लेते हैं और उससे अच्छे से साफ भी हो जाते हैं बर्तन। देखो अभी हम आगे बर्तन धो के, ये देखो तो दोस्तों खाना वगैरह सब लोग खा लो भनवान लम्मा जैन। और अब चल रहे हैं चाय, यानी अभी सभी पी रहे हैं चाय और ताऊ जी भी बैठे हैं चेयर में, देखो चाय पी रहे हैं ताऊ जी भी। तो महिला मंडली को ना हमारे जब तक चाय ना मिले तो सुकून नहीं आता, मतलब खाना वगैरह खाने के बाद बर्तन धोने के बाद चाय पीना तो बनता ही है ना। तो सभी लोग पी रहे हैं चाय, चाची दीदी ताई जी वगैरह सभी लोग देखो। तो दोस्तों इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की एंडिंग। आप लोग को मेरा आज का ब्लॉग और हमारा थैंक्स फॉर वॉचिंग, कैसा लगा ये आप कमेंट में लाइक बताना, कमेंट शेयर।